देख सकते हैं आप जो बोनेट है वो अच्छा शाइन कर रहा है, लेकिन बोनेट के यहाँ पे एक स्क्रैच है और बहुत बोनेट गंदा दिख रहा है दोस्तों। स्क्रैच जो है ये ऐसा है, अब ये ऐसा दिखेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्विक फिक्स इंडिया। मेरा नाम है रवि चंद्राना। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले आपकी गाड़ी पे अगर स्क्रैचेस होते हैं उसको आप कैसे निकाल सकते हो, कौन से टाइप के स्क्रैचेस आप निकाल सकते हो और कौन से टाइप के स्क्रैचेस नहीं निकल पाएंगे, देखते हैं दोस्तों ये वीडियो में। दोस्तों सिटी में जब भी गाड़ी चलाते कहीं ना कहीं छोटी मोटी स्क्रैचेस लगती रहती है, जो भी छोटी मोटी स्क्रैचेस है वो हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं ये वीडियो में आपको दिखाऊंगा। दोस्तों जो बॉडी पैनल होता है उसके ऊपर प्राइमर होता है, प्राइमर के ऊपर कलर होता है और कलर के ऊपर होता है क्लियर कट, जिसे हम लेकर भी कहते हैं। सो ये तीन चीज़ों का लेयर होता है बॉडी पैनल पे। तो पहले आइडेंटिफाई करते हैं क्लियर कट स्क्रैच होता क्या है। ये देखो यहाँ पे जो स्क्रैच है इसके ऊपर मैं वाटर डालूँगा। ये वाटर डालने के बाद में देखो ये स्क्रैच आपको दिख नहीं रहा है। अभी मैं अगर ये कपड़े से पोंछ लूँ तो देखो ये स्क्रैच निकल जाता है ऐसा। सो बेसिकली पानी डालने के बाद में अगर वो स्क्रैच नहीं दिख रहा है आपको, दैट मीन्स वो स्क्रैच को आप हील कर सकते हो। यहाँ देख सकते हो ये जो है ये थोड़ा डीप स्क्रैच है जो अंदर तक गया है और एक बाजू में भी स्क्रैच है। ये जो है ये क्लियर कट के ऊपर है और ये पेंट पूरा डैमेज किया हुआ है, तो ये स्क्रैच निकलना थोड़ा हार्ड रहेगा, ये स्क्रैच निकलेगा नहीं। ये स्क्रैच जो है ये निकल जाएगा, दिखाता हूँ कैसा दिखेगा आपको निकलने के बाद। दोस्तों ये जो स्क्रैच है ये निकालने के लिए हमको लगेगी पाँच चीज़ों की ज़रूरत। एक है वाटर बॉटल और एक है माइक्रोफाइबर क्लोथ और एक लगेगा हमें पॉलिश और एक लगेगा वैक्स और एक लगेगा सैंड पेपर। ये पांच चीज़ों की ज़रूरत है दोस्तों हमें। ये पांच चीज़ें हमारे पास में रहेंगी तो हम लोग वो स्क्रैच को इजीली निकाल सकते हैं। कैसे ये आपको दिखाता हूँ दोस्तों। सबसे पहला जो स्टेप है ये है, हम पहले वाटर डाल के जो स्क्रैच है उसको क्लीन कर देंगे, आजू बाजू में जो कंकड़ होते हैं वो सब निकल जाएंगे। अभी यहाँ पे देखो ये पानी डालने के बाद में स्क्रैच दिख नहीं रहा है, दैट मीन्स ये क्लियर कट स्क्रैच है। हम लोग डालेंगे दोस्तों वाटर, वाटर डालने के बाद में दोस्तों ये जो है वेट और ड्राई सैंड पेपर है जिसका हम लोग यूज़ करेंगे, इसके ऊपर भी हम लोग पानी लगाएंगे और यहाँ पे भी पानी लगाया। अभी जहाँ पे स्क्रैचेस है वहाँ वहाँ पे हम लोग हल्के से इसको पॉलिश करेंगे पॉलिश पेपर से। दोस्तों जो क्लीन करके देखते हैं कि अगर स्क्रैच निकला है या नहीं निकला है। आप यहाँ देख सकते हो ये जो एरिया है ये शाइन नहीं कर रहा है अभी। सो और अच्छे से एक बार उसको सैंड पेपर से क्लीन करके यहाँ पे और थोड़ा सा मार्क दिख रहा है जो स्क्रैच का है, इसको भी हमें निकालना है तो थोड़ा और एक बार पानी डालेंगे, फिर से उसके ऊपर सैंड पेपर का यूज़ करेंगे। इसे क्लीन करके देखते हैं, देखो ये जो स्क्रैच है ऑलमोस्ट गया है और ये जो एरिया है ये थोड़ा फेड हुआ है जो शाइन नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे पॉलिश का यूज़ करेंगे। पॉलिश का यूज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे माइक्रोफाइबर क्लोथ का। आप कोई भी पॉलिश यूज़ कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, एक अच्छा क्वालिटी का पॉलिश रहना चाहिए तो आप घर पे ही ये स्क्रैच को निकाल सकते हो, आपकी गाड़ी जो है वो अच्छे से शाइन करेंगी। सो ये एरिया दिख रहा है दोस्तों आपका फेड हुआ हुआ, अभी यहाँ पर हम लोग लगाएंगे थोड़ा पॉलिश और उसके ऊपर लगाएंगे वैक्स का पॉलिश। ये जो एरिया है यहाँ पे हमने लगा दिया है पॉलिश और जो माइक्रोफाइबर क्लोथ होता है। सो दोस्तों ये है माइक्रोफाइबर कपड़ा, माइक्रोफाइबर क्लोथ। इससे एक जो गीला कपड़ा था और ये है माइक्रोफाइबर क्लोथ, इसको ये थोड़ा ड्राई है, ये थोड़ा अभी गीला हो चुका है। सो हम लोग ड्राई कपड़े से उसको अच्छे से रब करेंगे। से इसको पोंछ लेंगे, क्लीन कर लेंगे कपड़े से पॉलिश को। सो ये जो हो गया ये हमारा फाइनल है। सो अभी आप देख सकते हो जो स्क्रैच था यहाँ पे, ऐसा बड़ा यहाँ पे स्क्रैच था वो चला गया है, अभी ये हो गया है शाइन। तो यहाँ का जो स्क्रैच था ये निकल चुका है। तो ये बेसिकली होता क्या है, जो क्लियर कट होता है, क्लियर कट या लेकर जिसे हम कहते हैं जिसके ऊपर में, वो जब कटता है तो वो रिफ्लेक्शन देता है, वो रिफ्लेक्शन देता है, इसके लिए आपको स्क्रैच दिखाई देता है। पॉलिश पेपर से सैंड करके उसको इवनली करके उसको फेड आउट कर दिया है, सो इसके लिए वो स्क्रैच दिख नहीं रहा है यहाँ पे।
तो दोस्तों अभी तो पता चल गया होगा आपको कौन से स्क्रैचेस हम निकाल सकते हैं या कौन से नहीं निकाल सकते हैं। दोस्तों कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। तो भी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में एक बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस कर लीजिए, तो जब भी मेरा वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा। राइडर्स प्लीज़ वेयर हेलमेट, ड्राइवर प्लीज़ वेयर सीट बेल्ट, कीप द रोड क्लीन, कीप द रोड सेफ, कीप द सिटी क्लीन। थैंक यू।